Hi everyone, I am Dr. Harman, obstetrician and gynecologist working in Healing Hospital, Chandigarh. आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे आयरन के बारे में. आयरन इन प्रेगनेंसी इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड टॉपिक बिटवीन यू एंड योर गायनेकोलॉजिस्ट. 99% प्रेगनेंट वुमेन आयरन लेती हैं और गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये नहीं पता होता कि आयरन क्यों ले रहे हैं या आयरन कब लेना चाहिए. मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी इस वीडियो में. तो चलिए जानते हैं आयरन होता क्या है और ये क्यों रिक्वायर्ड होता है प्रेगनेंसी में. आयरन इज़ अ टाइप ऑफ अ माइक्रोन्यूट्रिएंट विच इज़ एसेंशियल इन प्रेगनेंसी फॉर बेबीज ब्रेन डेवलपमेंट, प्लेसेंटा डेवलपमेंट एंड टू मेंटेन योर हीमोग्लोबिन. आयरन हेल्प करता है आरबीसी फॉर्मेशन में, जो कि आपकी हीमोग्लोबिन को मेंटेन करके रखते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी में. इसके अलावा आयरन बेबी के ब्रेन और प्लेसेंटल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है. प्रेगनेंसी में आयरन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, इसलिए हमें आयरन सप्लीमेंट्स प्रेगनेंसी में ज़रूर लेने चाहिए. हाउ मच आयरन इज़ नीडेड इन प्रेगनेंसी, हमें कितना आयरन प्रेगनेंसी में लेना चाहिए. CDC रिकमेंड करती है कि हमें 27 मिलीग्राम ऑफ आयरन पर डे कंज्यूम करना चाहिए. WHO रिकमेंड करता है कि 30-60 मिलीग्राम ऑफ आयरन पर डे हमें प्रेगनेंसी में लेना चाहिए. बट क्या आप जानते हैं कि जो आयरन कंटेनिंग रिच फूड्स होते हैं, अगर हम वो कंज्यूम करते हैं तो हमें आयरन सिर्फ 17 मिलीग्राम पर डे ही मिलता है आयरन रिच फूड से. बट हमारी रिक्वायरमेंट तो मिनिमम 27 मिलीग्राम पर डे की है, जो कि 60 मिलीग्राम पर डे है एज पर WHO. तो इसलिए हमें आयरन सप्लीमेंट्स लेने बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें और प्रेगनेंसी में हम अपनी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उसको प्रिवेंट कर सकें. आयरन रिच फूड्स कौन से होते हैं? आयरन दो तरह के फूड्स में अवेलेबल होता है, एज अ हीम फॉर्म में या नॉन हीम फॉर्म में. हीम फॉर्म में हमें एनिमल सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि बीफ हो गया, लैम हो गया. अब ये जो हीम फॉर्म वाला आयरन होता है रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में. नॉन हीम फॉर्म में हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, इन सब चीज़ों से मिलता है. और ये इस आयरन जो नॉन हीम फॉर्म वाला आयरन होता है उसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो डिलेड होती है एज कम्पेयर टू हीम फॉर्म ऑफ आयरन. 3-12 मिलीग्राम ऑफ आयरन हमें स्पिनिच, लेंटिल्स, पम्पकिन सीड्स और फोर्टिफाइड सीरियल से मिलता है. 1.6-3 मिलीग्राम ऑफ आयरन पाया जाता है लैम, किडनी बीन्स, ओट मील्स या कैश्यू नट्स में. 0.5-1.5 मिलीग्राम ऑफ आयरन चिकन, एग्स, ग्रीन पीस, ब्रोकली, आलमंड्स, पीनट्स या ड्राइड एप्रिकॉट्स में पाया जाता है. अब अगर हम आयरन की अब्जॉर्प्शन बढ़ाना चाहते हैं तो इससे बेटर होता है कि हम विटामिन सी रिच फूड साथ में लें, जैसे कि ग्रेप फ्रूट हो गया, कीवी हो गया, ऑरेंज जूस हो गया. इन सब से, विटामिन सी रिच फूड से आयरन की अब्जॉर्प्शन बढ़ती है. अब हमें आयरन कब लेना चाहिए? आयरन सप्लीमेंट्स आइडियली शुड बी टेकन एम्प्टी स्टमक, बट इससे बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होता है. इसलिए मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि एटलीस्ट अगर आपको एम्प्टी स्टमक आप नहीं ले पाते हैं तो आप 2 hours आफ्टर फूड आयरन लें. बट इसके साथ आप टी, कॉफ़ी या मिल्क मत कंज्यूम करें, क्योंकि इन सब चीज़ों से आयरन की डिलेड अब्जॉर्प्शन होती है. आयरन हमेशा आपको विटामिन सी रिच ड्रिंक्स के साथ लेना चाहिए, जैसे कि लेमन जूस हो गया या फिर ऑरेंज जूस हो गया. इन सब से आयरन की अब्जॉर्प्शन बढ़ेगी. साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ आयरन, आयरन के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कई लोगों को नौजिया, टमी पेन या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है. अगर आप कॉन्स्टिपेशन या नौजिया आपको ओरल आयरन के साथ बहुत ज़्यादा होता है तो आप लिक्विड फॉर्म ऑफ आयरन भी यूज़ कर सकते हैं. कौन से आयरन सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में? बहुत तरह के आयरन सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि फेरस फ्यूमरेट है जिसमें कि 68 मिलीग्राम ऑफ आयरन पाया जाता है. आयरन सल्फेट अवेलेबल होता है जो कि 60 मिलीग्राम ऑफ आयरन प्रोवाइड करता है. उसके अलावा फेरस ग्लूकोनेट भी अवेलेबल होता है. ये सब ओरल टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. अगर आपको इस टैबलेट फॉर्म से नहीं टॉलरेट होता तो आप हमेशा लिक्विड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं. अगर हम आयरन नहीं लेते तो कैसे बॉडी पे इफ़ेक्ट होगा? मोस्ट कॉमन आपका फर्स्ट सिम्टम होगा कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा. तो इसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं. आपके हर ट्राइमेस्टर में आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपका
हीमोग्लोबिन चेक करवाएगी। अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉर्मल लेवल्स हीमोग्लोबिन के 11 होने चाहिए, अगर ये लेस देन 11 है तो आपको एनीमिया हो सकता है। इसके बहुत से कॉजेज हो सकते हैं बट मोस्ट कॉमन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन मिनिमम 10.5 होना चाहिए और थर्ड ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन 11 होना चाहिए। अगर 11 या 10.5 से कम होता है हीमोग्लोबिन तो इसको अनीमिया लेबल कर दिया जाता है। जैसे कि अगर हम उसको अनीमिया लेबल करते हैं तो हम आगे इन्वेस्टिगेट करवाते हैं कि अनीमिया का क्या कॉज है। जैसे कि हम आयरन लेवल्स चेक करते हैं जिसमें कि फेरेटिन जो है वो चेक किया जाता है कि वो कितना है, और एक पेरिफेरल ब्लड फिल्म भी करवाई जाती है जिससे हमें ये पता लगता है कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है या नहीं है। अगर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया पाया जाता है तो हम उसको आईवी आयरन देके ट्रीट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कितनी वीक्स की प्रेगनेंसी है। अगर आपकी अर्ली वीक्स की प्रेगनेंसी है और सेकेंड ट्राइमेस्टर तक है तो हम उसको आईवी आयरन देके ट्रीट करके रिपीट हीमोग्लोबिन 2-4 वीक्स में करते हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग आयरन। पर फिर भी अगर आपको कोई भी मन में कोई क्वेश्चंस हो तो जस्ट लेट मी नो, और यू कैन कॉन्टैक्ट अस इन हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़। थैंक यू।